Hello everyone, I'm Dr. Priya Sipa, and today we are going to discuss a very recent and a controversial case, that is Tarun Tejpal case. Now this case has been very controversial because of some of the statement which has been given in the judgment. Now in this video we are going to discuss about the fact of the cases, what is the judgment all about, what are the different allegations and the charges, and then what are the controversies, the narratives, viewpoints and the provision related to it. So stay tuned. Basically this case started in 2013 jab Tehalka magazine ka ek event tha Goa mein, where editor-in-chief of Tehalka magazine Mr. Tejpal went along with his colleagues to attend the event. वहाँ पर 2013 में उनके एक फीमेल कलीग ने ये एलिगेशन लगाया था दैट मिस्टर तेजपाल कमिटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन हर इन एलिवेटर. उसके बाद FIR दर्ज हुई और फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत सारे टर्न्स हुए इस केसेस में, एंड फाइनली इन 2021 तरुण तेजपाल वॉज एक्विटेड. एक्विटल तो ठीक है, चलो एक्विटल हुआ, लेकिन उसके साथ जो जजमेंट हुआ, जजमेंट में जो बहुत सारी फाइंडिंग्स और जो बहुत सारी स्टेटमेंट्स दिए गए उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई. तो हम अब उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो हम ये जानें कि मिस्टर तेजपाल कौन है. तरुण तेजपाल जो है वो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, ही इज़ नॉवलिस्ट ऑल्सो, एंड ही इज़ अ फॉर्मर एडिटर इन चीफ ऑफ तहलका मैगजीन. तहलका मैगजीन जो थी वो उसमें सचमुच ही तहलका मचाया था बिकॉज ऑफ स्टिंग ऑपरेशन, और बाद में इनका बहुत नाम हो गया था मिस्टर तरुण तेजपाल. अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज़ नॉवलिस्ट ऑल्सो. उन्होंने 3 बुक लिखी है जिसमें से एक बुक पर पाताल लोक सीरीज़ बनी है जो अमेजोन प्राइम में है, और इट इज़ अ वेरी हिट सीरीज़ ऑल्सो, और उनका एक पब्लिशिंग हाउस भी है. तो इस तरह के वो पर्सन हुआ करते थे, काफ़ी नामी. अब हम इस केस को एक टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑन 23rd November 2013, एज आई ऑलरेडी सेड, अ फीमेल कलीग अक्यूज्ड मिस्टर तेजपाल फॉर असॉल्टिंग हर इन एन एलिवेटर ऑन 2 सक्सेसिव नाइट एट अ तहलका इवेंट इन गोवा. मतलब एलिवेटर यानी लिफ्ट में उसको असॉल्ट किया गया, ये उन्होंने एलिगेशन लगाया. ऑन 30th November तेजपाल ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया विच वॉज रिजेक्टेड बाय द गोवा पुलिस. देन ऑन 17 November 2014 नियरली 3000 पेज चार्जशीट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट तेजपाल बाय अ क्राइम ब्रांच. ये एक चीज़ हुई. उसके बाद तेजपाल जो थे उनको जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई. Thereafter, in June 2017, Session Court ने accept कर लिया तेजपाल की plea to conduct on camera trial. Now let's discuss what are the charges against Mr. Tarun Tejpal. बहुत सारे charges लगाए गए थे जिसमें बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ वो सारे charges discuss करना. तो let's discuss all the charges. The first thing is he has been charged by district court in Maposa district, IPC section 354A for sexual harassment, then section 376 rape, then 376(2)(k) rape of a woman by a person being in a position of control or dominance over the woman. मतलब वो जो थे वो उसके हेड थे, और किसी भी हेड अगर कोई भी पर्सन रहता है वो अगर किसी भी अपनी कलीग या सबॉर्डिनेट के साथ इस तरह का असॉल्ट करने की कोशिश करता है तो दैट कम्स अंडर सेक्शन 376(2)(k). देन पुलिस लेटर एडेड चार्जेस अंडर IPC, दैट इज़ सेक्शन 341 विच इज़ रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, सेक्शन 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 376(2)(f), दैट इज़ पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ओवर वुमेन कमिटिंग रेप ऑफ सच वुमेन, क्योंकि वो उनके बॉस थे. देन सेक्शन 376(c), दैट इज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, एंड सेक्शन 354, दैट इज़ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. मैंने आपको जितने भी सेक्शन बनाए हैं उन सब का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ये सेक्शन क्या होते हैं वो डिस्कस किया है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी लिंक्स डाल दूँगी सो दैट इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट आर दीज चार्जेस ऑल अबाउट इन डिटेल, देन यू कैन लुक एट इट. अब हम टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं, विच इज़
on 26 September 2017. 2017 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में मूव हुए थे टू क्वाश द रेप चार्जेस अगेंस्ट हिम विच वॉज डिनाइड बाय द कोर्ट. दैट मीन्स गोवा के बजाय वो बॉम्बे में गए थे हाई कोर्ट में, जो कि डिनाइड हो गया. देन ऑन 28 सितंबर 2017 अगेन सेशन कोर्ट फ्रेम चार्जेस अगेन तेजपाल. और जो चार्जेस थे वो अभी हमने डिस्कस कर लिए, मैंने आपको सारे चार्जेस बता दिए. लेटर ऑन मार्च 2019 प्रोसिक्यूशन कंडक्ट विक्टिम्स एग्जामिनेशन इन चीफ. देन इन 2019 द सुप्रीम कोर्ट क्वाश अ प्ली filed by Tejpal and asked a Goa court to finish the trial within 6 months. Thereafter, on 27th April 2021, ये काफ़ी time हो चुका था and in this particular date it was expected that verdict जो है वो आएगा, लेकिन जो Justice Shama Joshi थी she has adjourned the verdict to May 12th. साइटिंग कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कोविड पैंडमिक जो है वो आ चुका था और उसकी वजह से उनको ये आगे करना पड़ा. देन ऑन 12th में जजमेंट डिफर्ड टू मे 19th और उसका रीज़न था शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. देन ऑन 19th में अगेन जजमेंट डिफर्ड टू मे 21 बिकॉज ऑफ द पावर आउटरेज ऑन अकाउंट ऑफ साइक्लॉन. फाइनली ऑन 21st में गोवा कोर्ट एक्विट्स तेजपाल ऑफ ऑल चार्जेस. अब तेजपाल जो है वो एक्विट हो गए थे सारे चार्जेस से, लेकिन कुछ एक ऐसी बात थी जो जजमेंट में थी जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए, या जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया था वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में आ गया था. लेकिन अगर हम उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो उतनी गलत भी नहीं है जो ऑब्जर्वेशन है. देखिए कोर्ट क्या होता है, जब भी कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो इट्स ऑल अबाउट एविडेंसेस एंड विटनेसेस. और भले ही जज को ये डे वन से पता भी होता है कि सामने वाला जो आदमी है वो वाकई में ही वो मुजरिम है कि नहीं है, फिर भी जब तक एविडेंसेस और विटनेसेस नहीं होते, प्रूफ्स नहीं होते हैं, तब तक हम किसी को भी कन्विक्ट नहीं बना सकते हैं, कन्विक्शन नहीं हो सकता है. और अगर उसकी कमी होती है तो एक्विटल अपने आप हो जाता है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कंट्रोवर्शियल थी, जिसमें से कुछ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो बाद में उसको कंट्रोवर्शियल बना दिए गए, लेकिन मैं उसको ऑब्जर्वेशन कहूँगी जस्टिस शमा जोशी का. उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था जिसमें उन्होंने कई कमियाँ बताई थी. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ जज शमा जोशीज आर दैट शी सेड दैट अपॉन कंसिडरिंग एविडेंसेज ऑन रिकॉर्ड benefit of doubt is given to the accused because there is no corroborative evidence supporting the allegations made by the complainant girl. जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि बहुत सारे ऐसे एलिगेशन थे जिसका कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए ये एक डाउट की बात थी. देन रिजेक्टिंग द assertion दैट द विक्टिम was traumatized, द कोर्ट हैज सेट सम ऑफ द व्हाट्सएप messages ऑफ द women शो she was not traumatized as claimed and had plans to stay in Goa after the official event organized by the magazine where the alleged crime was committed. Later on court ne ye bhi kaha ki that the woman's mother do not corroborate or support the statement of the complainant girl that she was in trauma due to alleged rape as neither the complainant girl nor her mother change their plan. There are 3 points. The first point is lack of evidences. जितने भी allegation थे उससे वो जो evidences थे वो support नहीं कर रहे थे. दूसरी चीज़ जो जज ने बोली अपने judgment में वो ये थी कि जो complainant थी उसके किसी भी बिहेवियर से, उसके किसी भी एक्ट से और उसकी फ़ोटोग्राफ से जो उसने सोशल मीडिया में पोस्ट करी उस इवेंट के दौरान, उसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस थे, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो जो गर्ल थी शी वॉज ट्रॉमेटराइज्ड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसके बिहेवियर में कुछ भी ऐसा नहीं था. सेकेंडली वो जो थी जो वो अपनी मदर के साथ वहाँ पर गोवा में और ठहरना चाह रही थी, मतलब वो इवेंट ख़त्म होने के बाद भी शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर हॉलीडे इन गोवा.
तो ये भी एक ऐसे एलिगेशन थे उस लेडी के भी और उसके मदर के भी, कि एक तरफ उन्होंने ये कहा था दैट शी इज़ ट्रामेटराइज्ड, वो बहुत डरी हुई है, वो बहुत घबराई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो मैसेजेस थे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स थी, उनके एक्ट्स थे, बिहेवियर थे, उनके प्लान थे, वो उसको मैच नहीं कर रहे थे। ये वाली जो बातें थी वो उन्होंने मेंशन करी। अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत सारे फ्लॉज जो थे वो सीसीटीवी कैमरा के भी बताए गए, और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो थी उनके भी बहुत सारी कमियां को बताए गए। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉज कि जज ने ये कहा दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विथ सम सीसीटीवी फुटेज इनसाइड द होटल, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी उन्होंने वेरीफाई नहीं किया था ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द लिफ्ट पैनल ऑफ ब्लॉक 7 ऑफ द होटल टू प्रूव दैट ओपनिंग ऑफ लिफ्ट कैन बी स्टॉप्ड और नॉट। मतलब अगर किसी लिफ्ट में इस तरीका का इंसिडेंट होता है तो उस इट विल टेक टाइम, तो क्या एक कोई ऐसा प्रोविज़न है जिससे कि लिफ्ट कहीं पे खुले भी नहीं, क्या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, या सीसीटीवी कैमरा में इस तरह की कोई चीज़ आई है। देन आईओ डिड नॉट इन्वेस्टिगेट वेदर द लिफ्ट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओपनिंग और कैन बी कैप्ट इन सर्किट बाय प्रेसिंग अ बटन एज एलिज्ड बाय द कंप्लेन गर्ल। मतलब जो लेडी थी, जो कंप्लेनेंट थी, उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसा बटन दबा दिया गया था जिससे लिफ्ट खुल नहीं रही थी और वो लिफ्ट ही ऊपर नीचे हो रही थी। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस चीज़ के बारे में कोई भी अपनी राय नहीं बताई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जिससे ये चीज़ प्रूफ होती है। देन जज ने ये भी कहा कि आईओ जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था दैट द फैक्ट्स दैट देयर इज़ एन इनकमिंग फोन एंड अ एमरजेंसी स्टॉप बटन टू यूज़ इन द एमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए। तो क्या वो एमरजेंसी स्टॉप बटन जो था उसे यूज़ नहीं किया, या ऐसे सिचुएशन में होता है वो ऑपरेट नहीं हो रहा था, ये भी जानने की कोशिश नहीं करी। फर्दर शी ऑल्सो सेड दैट द सीसीटीवी फुटेज इंडिकेट्स दैट द लिफ्ट इन फैक्ट ओपन ट्वाइस ऑन द ग्राउंड फ्लोर वेयर इज़ द वुमेन क्लेम दैट लिफ्ट डिड नॉट ओपन एट ऑल। अब ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, क्योंकि कंप्लेनेंट कह रही थी कि लिफ्ट नहीं खुली, वो पूरे समय चल रही थी, वेयर इज सीसीटीवी फुटेज कह रहे थे कि वो लिफ्ट 2 बार खुली थी। देन आईओ हैज़ एडमिटेड दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन सीसीटीवी फुटेज एंड स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट गर्ल, येट आईओ डिड नॉट रिकॉर्ड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो जब उन्होंने खुद एडमिट किया, आईओ ने खुद एडमिट किया कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द स्टेटमेंट एंड द सीसीटीवी फुटेज, फिर भी उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं लिया, तो इस बेस पे हम ये मानेंगे कि एविडेंस की कमी थी। कॉन्ट्रोवर्सीज कॉन्ट्रोवर्सीज इज़ अबाउट द नॉर्मल बिहेवियर पोस्ट रेप। अब ये कौन जज करेगा कि अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसका बिहेवियर उसके बाद, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद कैसा होना चाहिए। जो जज थी उनका जो स्टेटमेंट था कि वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी, उसके किसी भी एक्ट और बिहेवियर से ये नहीं लग रहा था कि वो ट्रॉमेटाइज है, इसलिए ये डाउट में आती ये चीज़ें। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लोगों का ये कहना है कि क्या कोई एक मैनुअल बना लेना चाहिए कि किस तरीके का एक्ट करना चाहिए किसी भी लेडी को आफ्टर दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, या ये कौन डिफाइन करेगा, कैसे बताएगा, क्या एक बिहेवियर को किस तरीके से जज करना चाहिए, ये आप कैसे कह सकती हैं कि कोई अगर हंस रहा है तो ये हो रहा है। देखिए, अगर सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है, और वो भी अगर किसी सीनियर या किसी बॉस के वजह से होता है, तो यूजुअली ये चीज़ होती है कि लोग डर जाते हैं दोनों बातों से। पहले तो जो उनके साथ इंसिडेंस हुआ रहता है उस चीज़ को लेकर डरते हैं, दूसरा इस चीज़ के लिए भी डरते हैं कि अगर उन्होंने कंप्लेन करी तो कहीं उनकी नौकरी ना चले जाए, और तीसरी चीज़ होती है कि लोग कई बार सोचने में टाइम लगा देते हैं कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसी चीज़ हुई हो कि वो उस वक्त या तो समझी नहीं थी, या ये भी हो सकता है कि वो ये भी डर रही हो कि वो अपने बॉस को ये चीज़ बॉस के खिलाफ़ बोलें कि नहीं बोलें, फिर बाद में उन्होंने करेज दिखाई और उसके बाद वो बॉस के खिलाफ़ उन्होंने जाके FIR भी दर्ज कराई है। लेकिन जो एक जो मीडिया है और जो कुछ एक्टिविस्ट है उन्होंने ये स्पेशली कहा है कि आज भी हम ये क्यों करते हैं कि किसी भी लेडी के बारे में फिल्म्स जो है वो उससे हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी रेप और एनी सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट एनी पर्सन एनी लेडी
तो उसका बिहेवियर में एक ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए, और उसको एक सोटू से अबला नारी बना दिया जाता है, और उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग तरीके से होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो बहुत पहले केस भी आया था कि एक लड़की थी, वो एग्ज़ाम देने जा रही थी और वैन ड्राइवर ने उसके साथ एक सेक्सुअल असल्ट किया था। उसके बाद वो लड़की गई, उसने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद वो वापस आई, और बाद में फिर उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसके साथ सेक्सुअल असल्ट हुआ है, वो भी जब नेक्स्ट पेपर होने वाला था और उसको वैन में जाना था। तब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी उठाई गई कि नहीं, उसने वैन वाले ने कहा कि वो इतनी इजली जाके, अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो वो पेपर कैसे जाके दे सकती है। तो देखिए क्या होता है कि हर एक इंसान का जो किसी भी चीज़ को, किसी गलत बात को सहने का, उसमें बिहेव करने का अलग अलग तरीका होता है। और हो सकता है कि हम लोग कई बार प्रायोरिटाइज करते हैं कुछ एक चीज़ों को, और हो सकता है उस वक्त ये लगता है कि हमको प्रायोरिटी दूसरी चीज़ को देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि सामने वाला इंसान डर जाता है और वो डर के मारे नहीं बोलता कि उसके साथ ये चीज़ गलत हुई है। कोई ज़रूरी नहीं वो उस चीज़ को बिहेव भी करके बताए। अब कई बार अगर कोई स्मार्ट लड़की होती है, अगर वो लड़की अल्कोहल भी लेती है, अगर वो लड़की स्मोक भी करती है, पार्टीज़ में जाती है, स्मार्ट है, तो एक और उस पर एलिगेशन हो जाता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगता है कि अगर वो इस तरह की लड़की है तो वो इनवाइट करती है अपने साथ किसी भी तरह की गलत बात के लिए। तो ऐसा भी, ये भी एक परसेप्शन जो है वो बहुत गलत है। और कई बार एक और चीज़ आती है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जिसमें कहते हैं कि जो कोई लड़की ऐसी होती है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी पार्टिसिपेट करती रहती हैं, तो उनके साथ अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो क्या गलत हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट एंड अ परसेप्शन। अगर मान लीजिए कोई लड़की ऐसा करती भी है और अगर उसके विल के अगेंस्ट में ये चीज़ होती है तो वो गलत है। और मूवी भी बनी थी पिंक, जिसमें भी ये चीज़ बताई थी कि इस तरीके से हमें किसी भी लड़की के बिहेवियर को देखकर एक परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए कि अगर हम किसी लड़की के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें राइट है वो करने का, और उस लड़की को ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसपे डिबेट हुई, जिसपे कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हम कंसेंट की बात करते हैं, कंसेंट की बात अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेंगे तो 2013 में ही अमेंडमेंट हुआ था आफ्टर निर्भया केस। रेप लॉज में भी अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कंसेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया गया था। उसमें एक पॉइंट ये स्पेशली कहा गया था कि अगर कोई लड़की बोल कर या अपने एक्ट से नहीं मना कर पा रही है, इट डजेंट मीन कि वो आपको इन्वाइट कर रही है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, इनवाइट करने में और मना ना करने में। हो सकता है उसमें गट्स नहीं है और हो सकता है वो नहीं कर पाती है उस चीज़ का। सिमिलरली उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बाद वो किस तरीके का बिहेवियर कर रही है, उससे आप नहीं जज कर सकते हैं ये चीज़ कि ये चीज़ सही है या गलत। सो दीज आर द कॉन्ट्रोवर्सीज एंड दिस इज़ द केस ऑल अबाउट। So I hope you like the video, and if you like it, do not forget to hit the like button and subscribe my channel. और आपको अगर और भी कोई केसेस के बारे में जानना है या और भी कोई लॉज या स्टैट्यूट के बारे में आप जानना चाहते हैं, सो यू मे कमेंट सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कॉन्ट्रोवर्सीज ऑल्सो, दैट केस लॉज ऑल्सो एंड द स्टैट्यूट ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून। टेक केयर। बाय।